है, बुबू फिनिश कर देती है। और बेटू के लिए चॉकलेट ले आना डैडू। हाँ जब बेटू छा रहा है, बुबू फिनिश कर रही है, देखो चॉकलेट ले आना मेरे बेटू के लिए। हाँ मैंने खीर रख दी है बनने के लिए। और वैसे टाइमिंग तो क्या ही बताऊँ मैं, मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था खाना, क्योंकि रेडी होने में थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगता है और फिर थोड़ा वीडियोस वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस चक्कर में थोड़ा मैं सोच रही थी खाना जल्दी बना के रख दूँ, पर क्या हुआ मेहंदी में ही इतना टाइम लग गया हमें, और तो फिर इस चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए। फिर भी मैंने दाल रख सॉरी खीर रख दी है, खीर बन रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई एम ज्योति, यू आर वॉचिंग ज्योतिस वर्ल्ड। तो पीछे आपने जो दो क्लिप्स देखी है ना, वो मेरी पिछले वीडियो की थी, पार्ट वन की वीडियो थी, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें चल नहीं रही है। तो मैंने सोचा जो मेरे पास थी, दो क्लिप्स ही थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें ऐड कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। और वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ क्या प्रॉब्लम, मेन रीज़न वही फ़ोन ख़राब हो गया था हमारा। मेरे बेटू ने फ़ोन पानी में डाल दिया और भाई का फ़ोन लिया, तो उसको फिर कुछ काम आ गया था, तो उसने मेरे से वो फ़ोन ले लिया। उसने बोला दीदी कुछ दिन बाद दे दूँगा, तो फिर उसके बाद उसने दिया मुझे। पर मैंने सोचा चलो काम तो करना ही है, देखते हैं फ़ोन, देखते हैं न्यू, देखते हैं। तो फिर उसके बाद हमने न्यू फ़ोन मंगाया, न्यू फ़ोन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। हाँ थोड़ा बहुत गैप होता है, जैसे होता है वैसा ही 8-10 दिन 15 दिन का गैप तो लगेगा ही, क्योंकि मतलब मैं हाउस वाइफ भी हूँ और फिर मेरी एक बच्ची भी है छोटी, तो उसमें नहीं हो पाता है। और जो आपने पीछे हेयर स्टाइल देखी, अगर आप इसका का वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी। हाँ तो ही करूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो। और मुझे मेकअप नहीं आता है, जितना आता है वही थोड़ा बहुत, तो हाथ पैर मार लेती हूँ, हो जाता है। और तो आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और ये क्लिप मैंने इसीलिए डाली क्योंकि आप इसमें बेटू की सतानियाँ देखना, और मैं सारे दिन उसको कैसे संभालती हूँ। देखो कहाँ चढ़ रही है, एक टाइम को लगता है कहीं ये गिर ना जाए, पर क्या करूँ। तभी तो मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं सोचती हूँ जो भी काम होता है मुझसे मैं पहले निपटा दूँ, उसके बाद जो फ्री का काम होगा मेकअप तैयार वगैरह वो सब कर लूँगी धीमे धीमे। इसीलिए सोचती बस मतलब बेटी के साथ में काम कोई अधूरा ना रह पाए, मतलब कोशिश बहुत करती हूँ बहुत कुछ शेयर करने की, बट जितना हो सकता है वही कर पाऊँगी मैं। और क्या करें, मतलब न्यू ब्लॉगर हूँ, कुछ रह जाता है, तो उसके लिए सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी को भी दबाइए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इतना मेकअप कैसा लगा, बाकी का मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हो, और तो मैं वही लेकर आऊँगी। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि मेरी बेटू भी आगे जाके शायद व्लॉगर ही बनेगी, क्योंकि ना ये मैंने वॉल्यूम इसका जो आवाज़ थी वो मैंने बंद कर दी थी, नहीं तो आप इसमें सुनते इसकी कि ये क्या क्या बोल रही थी। और मतलब अपनी गलतियों से ही लोग सीखते हैं, मेरी यहाँ एक गलती रही कि मैंने रेडी होने के बाद ये सब तैयारी की, मुझे तैयारी पहले करके रखनी थी, क्योंकि साड़ी पहन के ऊपर से दुपट्टा लगा के खड़े होना, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर सामान लाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प कराई, कुछ सामान तो वो ही लेके, कुछ क्या बहुत सारा सामान वो ही लेके आए थे। और यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे साथ एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, ये फ़ोटोज़ के चक्कर में हम नीचे फ़ोटोज़ निकलवाते रहे
और तब तक चांद निकल आया था और हमें पता भी नहीं चला, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं आया था, थोड़ा ही ऊपर आया। तो फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि हम पूजा करने लग गए। पूजा करते टाइम हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने वीडियो ऑन किया है या नहीं, और जब ये पूजा हो गई, जो ये आप क्लिप देख रहे हो ना, ये वीडियो ऑन था तो ये रिकॉर्ड हो गया, और मैंने ऑन को ऑफ कर दिया, और इस वजह से आगे की जो भी पूजा थी वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इस चक्कर में ना मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा क्या करूँ अब क्या करूँ। उसमें अभी एक मोमेंट आएगा जो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस जगह पर देखा कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं है वीडियो, और ऑन को मैंने ऑफ़ कर दिया, और फिर मेरे से यहाँ पर ये सीके नहीं निकल रही थी, इसका धागा नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं एक हाथ में करवा पकड़ी हुई थी और एक हाथ से कैसे निकालूँ। तो फिर इन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, निकाल के दिया और ये पूजा हो गई। तो इधर ही मैं कैमरे को देख, यहाँ पर मैंने देखा, पीछे रखा और ऑन कर दिया, ऑन को मीन्स ऑफ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या किया जाए, आप लोगों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने दोबारा से स्टैंड अच्छे से लगाया और ऑन किया, और इधर फिर से थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो मैंने किया, छलनी से मुंह देखा, और वो आगे की जो चढ़ावा वगैरह जो जो भी बनाते हैं वो चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो तो मैंने उधर ही कर दिया था, इधर बस छलनी वाला रह गया था, आरती वगैरह सब मैंने उधर ही कर ली थी, और इनकी आरती मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं उधर ही मैंने कर ली थी, तो मैं थोड़ा भूल गई थी। तो मैंने इधर थोड़े आंटी जी आ गई थी नीचे हमारी, तो उन्होंने हमारे फ़ोटो निकाल दिए थे, और इसमें चांद बहुत अच्छे से दिख रहा है देखिए, और पानी पिला रहे हैं, हम लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि आंटी के सामने हमें बहुत शर्म लग रही थी एक वो ही थी तो इसलिए हमें ज़्यादा हंसी आ रही थी, और ये पता नहीं क्या कह रहे थे, तो मैं पता नहीं क्या देखने लग गई पीछे। और अभी हम कह रहे थे चलो पैर छूते हैं और नेक देना, और नेक वगैरह तो खैर वो वहीं पर दे चुके थे मैंने, अब चलो ठीक है जो है। तो इतना ब्लॉग आप एंजॉय कीजिए। तो, क्या क्या बनाया हमने, इतना सा है बस, खाने वाले दो ही हैं, क्यों खाएं कल का ना, चलो आ जाओ बेटा ये लेके चलो, पानी लेके आ रहे, चलो चलो बेटा आप चलो, कमेंट में जरूर बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत की है इसके लिए, बहुत लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बताइए कि आपको इसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी मैं सारा सामान ऐसे ही रख दे रही हूँ, सुबह करूँगी सुबह करूँगी कुछ भी करना होगा, और एक वीडियो को ब्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।